55 देश हो गया और अपोरो एक भी अपने देश बना नहीं पाया, ये कारण कहीं है, कारण यही जगह अपोरी कमी है। अपने स्वार्थ ने जालन राखियो, धर्म ने नहीं जालियो। जब मौको आयो ने जब धर्म ने छोड़न स्वार्थ रो पल्लो जालियो, स्वार्थ रे कारण अपने लारे रह गया और आज अपोरे अपनी चीजों पे छोड़ने लाग गया। आज एक मैं लड़के ने देखियो और अच्छे परिवार रो, अच्छे समाज रो, वो रिकॉर्डिंग शायद बच्चों सुन लेला तो उन्हें दुख भयला कि बाप जी मैंने कहो पर मैं उरी सुधारने लिए कहो, उन्हें वेशभूषा पेरोड़ी थी, उन वेशभूषा रो मैं पूछियो, मैं कह थारी ड्रेस कही है, तो बोले ना पठानी के, पठानी तू पठाने जो पहरे, पठानी ड्रेस तू पहर रहे हो है तो पठान तो है कोनी, तू तेरेटो पठान ना पहरान बता तो हूं मानू नहीं पहरेला, और थे पठानी पहन नहीं शुरू कर दी। आजकल छोरा मोटिया रहे दाढ़ी राखनी अड़ी शुरू कर दी, चोटियां कटानी शुरू कर दी, पोतिया उतारना शुरू कर दिया, जनेऊ उतारनी शुरू कर दी, अपोरी वेशभूषा पहननी छोड़ दी, अपनी भाषा बोलनी छोड़ दी, अपोरा तीज त्योहार रीति रिवाज मनाना छोड़ दिया। धीरे धीरे अपोरी संस्कृति धर्मों दूर जाता रहा हूं। इन कारण सबू पहले दुनिया में पे आया, परंतु आज अपने पूरे देश रे में जो धर्म फैलतो तो आज सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत कम आ गयो, क्योंकि अपे लोग बहुत स्वार्थी हो गया। और पहले भी देखो स्वार्थ रे कारण धर्म परिवर्तन लोगे कियो, स्वार्थ जागो तो धर्म छोड़न दूजे धर्म में भी गया है, और अब भी स्वार्थ जागे तो धर्म ने छोड़ने लिए तैयार हो जावे। स्वार्थ सबू ज्यादा अपोरे धर्म के लिए खतरनाक चीज है। वे लोग स्वार्थ में कदे नहीं पड़े, वे धर्म ने आगे राखे, जो बढ़िया है दुनिया में वही आपने धर्म ने आगे राखे हुए, और घटिया है जो धर्म ने छोड़े हुए। धर्मरी धजा चाहे मर जाना मिट जाना, परंतु अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपना धर्म अपनी रीति रिवाज अपनी परंपरा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। खानू जी पूजी जे है ना, तेजो जी पूजी जे है, और देवी देवता कोई पूजी जे है ना, तो वो अरे धर्म रे साथ है रहने रे।